टुडे वी विल स्टार्ट लेसन टेन सेव वाटर पानी को हम कैसे सेव कर सकते बचा सकते ओके वी कैन सेव वाटर बाय री यूजिंग इट वेन एवर पॉसिबल हम पानी को सेव कर सकते वापस उसका उपयोग लेके जहाँ तक हमें पॉसिबल हो वाटर फ्रॉम किचन और बाथरूम कैन बी यूज टू वाटर द प्लांट्स जो बाथरूम और किचन का जो पानी को हम यूज़ करते हैं वो हम बाद में प्लांट्स को पौधों को भी हम दे सकते हैं फूड शुड बी कुक्ड इन कवर्ड पैन जब हम खाना बनाते हैं तो हमें ढके हुए बर्तनों में यूज़ करके बनाना चाहिए इन द अनकवर्ड पैनस अ लॉट ऑफ वाटर गोज वेस्ट एज स्टीम जब हम बिना ढके बर्तनों में बनाते हैं तो पानी बहुत वेस्ट होता है भाप के द्वारा उड़ जाता है ना पानी तो हमें हमेशा ढके हुए पैनस में खाना बनाना चाहिए ओके ऑलवेज टेक बाथ वाइल अ बकेट फिल्ड विथ वाटर राधन देना दैन इन अ शॉवर हमें हमेशा कैसे नहाना चाहिए पूरी बाल्टी भर भर लेना चाहिए और नहाना चाहिए बजाय शॉवर के अ लॉट ऑफ वाटर गोज़ वेस्ट शॉवर में बहुत सारा पानी वेस्ट होता है वाइल वी यूज़ अ शॉवर जब हम शॉवर यूज़ करते हैं तो डू नॉट प्ले विथ वाटर वाइल टेकिंग अ बाथ जब हम नहाते हैं तो हमें पानी के साथ ज़्यादा नहीं खेलना चाहिए वी शूड ऑलवेज कीप द टेप क्लोज वाइल वी ब्रश अवर टीथ हमेशा जब भी हम ब्रश करें तो नल को हमेशा क्लोज रखना चाहिए एंड ओपन इट ओनली वैन वी नीड वाटर जब हमें पानी की ज़रूरत हो तभी हमें उसे ओपन करना चाहिए द फ्लशिंग टैंक्स इन टॉयलेट शुड नॉट बी वेरी बिग जो फ्लशिंग टैंक होता है टॉयलेट्स का वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए अलॉट ऑफ वाटर फ्लोज वाइल वी फ्लश नहीं तो क्या होता है बहुत सारा पानी वेस्ट होता है जब हम फ्लश करते हैं तो समटाइम्स द वाटर स्टोरेज टैंक्स ओवरफ्लो और जो वाटर कई बार क्या होता है जो वाटर स्टोरेज की टंकी होती है वो ओवरफ्लो हो जाती है अ लॉट ऑफ वाटर गोज़ इन दिस वे इसमें भी बहुत सारा पानी भर जाता है तो द वॉल ऑफ वाटर टैंक शुड भी क्लोज ऑटोमेटिकली इसलिए उसका जो वॉल्व होता है टंकी का वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाना चाहिए वेन द टेंक इज़ फील्ड जब टंकी भरा जाती है द लीकेज ऑफ द लीकेज ऑफ वाटर पाइप शुड बी टेस्टेड बाय प्लम्बर टाइम टू टाइम जब लीकेज होता है पानी जब बहता है टप टप करके बहता लीकेज होता है तो हमें पाइपलाइंस प्लम्बर के थ्रू जो नल ठीक करता है उसके थ्रू टाइम टू टाइम हमें दिखाते रहना चाहिए वाटर पाइप्स लीकेज लीड्स टू वेस्टेज ऑफ वाटर जब पानी लीकेज होता है तो बहुत सारा पानी वेस्ट होता है